Hello students, welcome to gatelectures.com. Today we will study about loads and its type. आज हम लोग strength of material में load और उसके types को देखेंगे, जो कि बहुत ही important topic है. अगर आप strength of material point of view से देखो, तो अगर आपने load को visualize कर लिया, अगर आपने उसको एनालाइज कर लिया कि किस टाइप का लोड है, देन आप उसके इफेक्ट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि इस लोड से क्या इफेक्ट हो सकता है. लेकिन उस इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको लोड्स को समझना जरूरी है कि कौन से लोड में क्या इफेक्ट होता है और कौन सा लोड कौन सा होता है. मतलब किस तरह के एक्सटर्नल लोड्स, अगर किसी भी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल लोड हमने अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो वो बॉडी के रिस्पेक्ट में वो कैसे लग रहा है. सपोज कर लो कि अगर उसके क्रॉस सेक्शन पर परपेंडिकुलर लग रहा है तो दैट इज नॉर्मल. अगर क्रॉस सेक्शन पर पैरेलल लग रहा है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज शियर फोर्स. उसी तरह से पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटिव लोड, यूडीएल, यूवीएल, वेरियस टाइप ऑफ लोड्स, हम सारे लोड्स को सिंपल वन बाई वन करके हम लोग देखते जाएंगे. और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोम सब्जेक्ट के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के लिए. इसके लोड के टोटल टाइप्स और उनके इफेक्ट्स, और देखेंगे हम लोग ये भी देखेंगे कि गेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं इन डिपेंड अपॉन दिस टाइप ऑफ लोड्स. और उसके बाद एक बार जब आप लोग का फाउंडेशन लोड पर तैयार हो जाएगा, देन आफ्टर आप लोग के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट बहुत ही ईजी लगने लगता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we will see the definition of load. Load. It is defined as an external force or a couple to which a component is subjected during its functionality. First of all, external force, सबको पता है, externally applied force, जो forces लग रही हैं, और couple. couple भी अपना लोड में ही आता है. कपल में जैसे आपका बेंडिंग कपल होगा, फिर आपकी ट्विस्टिंग कपल होगी, ट्विस्टिंग कपल, बेंडिंग कपल. कपल क्या होता है? कपल इज अ फ्री वेक्टर. कपल और मूवमेंट अगर आप देखो तो एक तरह से सेम थिंग है, बट कपल आपका फ्री वेक्टर होता है. मतलब कि अगर आप उसे किसी भी पॉइंट से देखोगे तो कपल की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी. अगर आप मूवमेंट की बात करोगे किसी फोर्स के इफेक्ट में, जो मूवमेंट हम देखते हैं तो वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते जाता है, बिकॉज की मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. ओके, जो फोर्स किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट, अगर आप देखो, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कपल के लिए. कोई बीम ले लिया, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम. कैंटिलीवर बीम पर अगर मैंने यहां पे एक पी लोड लगा दिया, दिस इज लेंथ एल, ठीक है, लेंथ एल है, लोड पी है. अगर मैं किसी एक क्रॉस सेक्शन पे बात करता हूं, अगर आप सपोज करो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, दिस इज एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंड. ओके, राइट एंड से ये एक्स डिस्टेंस पे है. तो इस क्रॉस सेक्शन पर अगर आप मूवमेंट की बात करो, तो मूवमेंट एट क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट? पी इंटू एक्स. ओके, पी इंटू एक्स. अगर मैं एक्स को जैसे जैसे, मतलब कि एम मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मूवमेंट आपका एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर आप देखो, इफ वी कंसिडर दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, तो मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. एक्स बी पॉइंट पर एक्स क्या है? जीरो है. देन मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू पी इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो. एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल, एट एक्स इज इक्वल टू एल, मूवमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पी इंटू एल. इट मीन्स कि मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिनियरली वेरी करता है एक्स के रिस्पेक्ट में. अगर यही बात मैं कपल की करता हूं, अगर कपल की बात करता हूं, सपोज कर लो ये कोई बीम है. कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट्स अ कपल. ओके, ये कोई बीम है. ये बीम का अगर आप देखो, देर आर टू टाइप ऑफ कपल इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेंडिंग कपल एंड ट्विस्टिंग कपल. अगर आप बेंडिंग कपल की बात जब आप कर रहे हो, तो बेंडिंग कपल जो क्रिएट होगी, टू इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल फोर्सेस. ओके, टू इक्वल अपोजिट नॉर्मल फोर्सेस क्रिएट करेंगी
बेंडिंग कपल। अगर आप कपल में देखोगे तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, अगर मैं सपोज करूं ये जो पॉइंट है अपना, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, किसी भी बीम को अगर हम शो करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, एक क्रॉस सेक्शनल सेंट्रोइडल एक्सिस, अगर सेंट्रोइडल एक्सिस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दिस इज पी एंड दिस इज पी, ओके, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट लोड्स, डिस्टेंस इसको मान लिया मैंने डी, देन अ कपल, कपल बेंडिंग कपल creates at free end of the beam. It is denoted by like this, A and B. This is P into D. This is in anti-clockwise direction and this is constant throughout the length of the member. Okay, agar aap XX section pe bhi dekhoge, this is XX section, this is X length. Okay, to bending moment kya hota? Moment at point XX is equal to P into D. अब सिंपल, आप किसी भी पॉइंट से देखोगे तो कपल की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर आप मोमेंट की बात करोगे तो मोमेंट का वेरिएशन होता है, तो कपल इज अ फ्री वेक्टर एंड मोमेंट इज नॉट अ फ्री वेक्टर, ओके, वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, ओके। तो लोड की डेफिनेशन की बात हम कर रहे थे, इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फोर्स और अ कपल टू विच अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, वेट ऑफ अ कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर कंपोनेंट, सेकेंड वन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सबको पता होगा एज अ मैकेनिकल इंजीनियर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनर्सिया फोर्स एम ए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं? एम आर ओमेगा स्क्वायर, दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, इनर्सिया फोर्स इज एम ए, गैस लोड जो आप थ्योरी ऑफ मशीन में देखते हो, विंड फोर्सेज, बेल्ट टेंशन, ट्विस्टिंग कपल, ट्विस्टिंग कपल आपकी ड्यू टू सियर फोर्स, सियर इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट सियर फोर्सेज क्रिएट्स अ ट्विस्टिंग कपल, ओके, एंड बेंडिंग कपल, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ लोड्स, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल, क्लियर। नाउ वी विल सी सम अदर एग्जाम्पल। अगर आप देखो इन 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 द डिजाइन ऑफ शाफ्ट, वेट ऑफ पुली डब्ल्यू वन इज कंसिडर्ड एज लोड, that is weight of shaft is neglected. So, takes example, this is bearing, this is also bearing, okay, this is pulley, this is shaft. Machine design में जब हम shaft की design करते हैं तो shaft के weight को अगर मैं कहूं ये pulley है, pulley का weight हमने मान लिया, this is W1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और शाफ्ट के वेट को हम नेग्लेक्ट करते हैं इन द डिजाइनिंग ऑफ शाफ्ट। पहले ही हमने देखा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने क्या किया था, एजम्पशंस में हमने क्या देखा था, सेल्फ वेट को हम क्या करके चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो इन द डिजाइन ऑफ शाफ्ट वेट ऑफ पुली इज कंसिडर्ड एज लोड, ओके, वेट ऑफ पुली इज कंसिडर्ड एज लोड, दैट इज वेट ऑफ द शाफ्ट इज नेग्लेक्टेड। बट जब हम बियरिंग की डिजाइन जब हम बियरिंग का डिजाइन करेंगे इन द डिजाइन ऑफ बियरिंग, वेट ऑफ पुली W1 एंड वेट ऑफ शाफ्ट W2 आर कंसिडर्ड एज लोड, दैट इज वेट ऑफ बियरिंग इज नेग्लेक्टेड। तो जिस मेंबर को हम डिजाइन करने जा रहे हैं उसके सेल्फ वेट को हम क्या करके चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ओके, बाकी उसके बाद जितने वेट उस पर एक्ट कर रहे हैं उनको हम कंसिडर करते हैं, ओके, वही एग्जांपल हमने लिया शाफ्ट में, शाफ्ट के वेट को, शाफ्ट के डिजाइन में हम शाफ्ट के वेट को नेग्लेक्ट करके चले, केवल पुली के वेट को लिया, बियरिंग में शाफ्ट और पुली दोनों का वेट उस पे जा रहा है तो इन दोनों के वेट को कंसिडर किया लेकिन बियरिंग के वेट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ओके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। यहां से हम लोग टोटल चीजें देखेंगे और पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपकी डिपेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स पे। एक बार आप लोड को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दोगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही सिंपल लगने लगेगा सब्जेक्ट। लोगों को क्यों ये हार्ड सब्जेक्ट लगता है, वो लोड्स को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स बेस्ड ऑन थ्री कैटेगरी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, based on direction of load with respect to plane of cross section, and third one is based on distribution of load. Now सबसे पहले हम start करते हैं with respect to time loads are divided into two groups, one is static
स्टैटिक लोड एंड सेकेंड वन इज डायनामिक लोड, स्टैटिक लोड एंड डायनेमिक लोड. ओके, नाउ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टैटिक लोड एंड डायनेमिक लोड. स्टैटिक लोड इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, डेड लोड एंड सेकेंड वन इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. ओके, डायनेमिक लोड इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. वन इज इंपैक्ट, इंपैक्ट लोड और सडनली अप्लाइड लोड और शॉक लोड्स. वेल एंड सेकेंड वन इज फटिक लोडिंग, फटिक लोड, फटिक लोड और वेरिएबल लोड. ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम से. ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम द लोड इज डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज स्टैटिक लोड एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक लोड. स्टैटिक लोड इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. डायनेमिक लोड्स इज ऑल्सो फर्दर सब डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स, इम्पैक्ट लोड और सडनली अप्लाइड लोड और शॉक लोड. एंड सेकेंड वन इज फटिक लोड और वेरिएबल लोड और साइक्लिक लोड्स. ठीक है, फटिक लोड, वेरिएबल लोड और साइक्लिक लोड्स, फटिक लोड और वेरिएबल लोड्स. ओके, फटिक लोड, वेरिएबल लोड और साइक्लिक लोड. ओके, तो सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम के टोटल लोड्स को एनालाइज करेंगे. देन आफ्टर हम आएंगे सेकेंड कैटेगरी में, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले मैं कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट होने के कारण हम लोग सबसे पहले इसको करते हैं, देन आफ्टर इसको करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे एनालाइज, और लगातार हम देखते जाएंगे किसके कितने टाइप होते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं डेड लोड. चीजों को आपको ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. ग्राफिकली अगर आप देखो तो लोड वर्सेस टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की मैं बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिस इज लोड, दिस इज टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो लोड टाइम बढ़ता जाए बट लोड इज स्टिल कॉन्स्टेंट, दिस इज द ग्राफ ऑफ डेड लोड. विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंज इन लोड. ओके, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है बट लोड विल कॉन्स्टेंट, दिस इज डेड लोड. सेकेंड वन इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. सेकेंड वन दिस इज लोड, दिस इज टाइम. The graph of gradually applied load is a linear variation. This is a straight line. Okay. This is like this load. Okay. This is gradually applied load. With respect to time, the value of load is gradually increasing. It means the ratio of time and load are constant throughout the time period. Okay. Ki hari रिस्पेक्टेड पीरियड में स्लोप ऑफ लाइन क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है. मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम लोड इज कॉन्स्टेंट. अगर आप कह सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर लोड की वैल्यू देखी जाए तो क्या हो रही है, इक्वल है. ठीक है, मतलब कि ग्रेजुअली लोड इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टाइम इंटरवल इंक्रीज हो रहा है लोड की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. बट द इंक्रीमेंट इन लोड इन टाइम इंटरवल इज इक्वल, विल बी इक्वल. ओके, ऑलवेज
ये है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, कि जिस रेशियो में आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में आपका लोड भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, देखो इसमें कुछ चीजें अगर आप यहां पर देखना चाहो तो इफ यू टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हेयर एंड अ वर्टिकल स्ट्रिप हेयर, ओके, दिस इज डेल्टा पी एंड दिस इज डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी एंड डेल्टा पी आर इक्वल, मींस कि जितना टाइम इंटरवल इंक्रीज हुआ लोड भी उसके रेशियो में उतना ही, मतलब कि दे आर नॉट, ये दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। देखते हैं एक एग्जांपल से और क्लियर होगा आप लोगों को। अगर थर्ड एग्जांपल इंपैक्ट लोड से थोड़ा सा इसको कंपेयर जब करते हैं तो चीजें और क्लियर होती हैं। देखते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और इंपैक्ट लोडिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले यहां से आप लोगों को और चीजें क्लियर होंगी। यहां पर अगर मैं इंपैक्ट लोडिंग की बात करूं तो स्मॉल टाइम इंटरवल में लोड अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इंपैक्ट लोडिंग में, बट ग्रेजुअल अप्लाइड लोड में स्मॉल टाइम इंटरवल में लोड भी स्मॉल इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि टाइम इंटरवल और लोड का इंक्रीमेंट दोनों लगभग इक्वल ही चलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ओके, एंड अब मैं यहां पर जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं दिस इज इंपैक्ट लोडिंग ग्राफ। ओके, देखते हैं दिस इज लोड, दिस इज टाइम, लोड वर्सेस टाइम ग्राफ। दिस ऑल टाइप्स आर टाइप ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर अगर आप देखो तो मैंने एक डीपी लिया, अगर यहां पर देखो सिंपल तो लोड बहुत ज्यादा है टाइम के रेशियो में, लेट अस सी थोड़ा सा इंपैक्ट लोडिंग। नाउ अब हम लोग देखेंगे इंपैक्ट लोडिंग डायग्राम को, लोड वर्सेस टाइम डायग्राम। इंपैक्ट में सडनली डेल्टा टी टाइम चेंज, डेल्टा टी स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर आप चेंज इन लोड देखो तो दिस इज वेरी बिग डायग्राम। और आप स्ट्रिपल कर सकते हो इंपैक्ट लोडिंग में, अचानक से आपने क्या किया लोड को बॉडी पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इंटरवल बहुत ही कम है और लोड बहुत अचानक से लोड क्या होगा इंक्रीज हो जाएगी, लोड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड द इंपैक्ट लोडिंग। इंपैक्ट लोड डेल्टा पी इज वेरी लार्ज। ओके, डेल्टा पी इज वेरी लार्ज। अगर आप स्मॉल टाइम इंटरवल में डेल्टा पी आपने क्या देखा बहुत ही ज्यादा लार्ज है, और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में क्या होता है कि टाइम इंटरवल और डेल्टा पी दोनों लगभग बराबर चलते हैं, रेशियो दोनों का इक्वल चलता है ऑलवेज, बट इंपैक्ट लोडिंग में आपका स्मॉल टाइम इंटरवल में लोड की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, अगर मैं इंपैक्ट लोडिंग पे कुछ देखा जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपैक्ट लोड, और इस पर अगर आप 2017 के कुछ क्वेश्चन उठा के देखो तो 2017 में गेट पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन आया था, और लगभग एक दो साल पे हमेशा इंपैक्ट लोड से क्वेश्चन आते रहता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंपैक्ट लोड के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे इंपैक्ट लोड।
व्हाट इज इंपैक्ट लोड? इट इज अ लोड व्हिच इज एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. अभी पीछे आपने जो डायग्राम देखे, जो ग्राफ देखा, लोड वर्सेस टाइम, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लोड एक्ट होता है. अचानक से लोड मतलब कि लोड जो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू टाइम. बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा लोड एक्ट कर जाता है. ओके, तो इट इज अ लोड व्हिच इज एक्टिंग, इट इज अ लोड व्हिच इज एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. एग्जाम्पल में अगर देखना चाहे तो आईसी इंजन, पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक, स्प्रिंग्स यूज्ड इन शॉक एब्जॉर्बर, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंपैक्ट लोडिंग. स्पर गियर टूथ अंडर हाई पिच लाइन वेलोसिटीज, कंपोनेंट यूज्ड इन पंचिंग, फोर्जिंग एंड ब्लैक स्मिथी ऑपरेशन, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंपैक्ट लोड. ओके, इंपैक्ट लोड, द डेफिनेशन ऑफ इंपैक्ट लोड इज वेरी क्लियर. इट इज अ लोड विच इज एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. अब बात आती है कि जब हम ग्रेजुअल अप्लाइड लोड अगर करते हैं तो उसमें तो स्ट्रेस हमें फाइंड, स्टैटिक लोड अगर हम लगाते हैं किसी भी बॉडी पे तो वहां से हमें क्या चीजें फाइंड आउट हो जाती हैं आसानी से. अगर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए स्टैटिक लोडिंग के कंडीशन में. उसके बाद लेकिन इंपैक्ट लोडिंग के कंडीशन में अगर कोई भी लोड है वो एट सडनली बॉडी पर अप्लाई किया जा रहा है, वो ग्रेजुअली नहीं है, सडनली अप्लाई किया जा रहा है, तब उसमें कितना स्ट्रेस जनरेट होगा. मतलब कि इंपैक्ट स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं और इंपैक्ट डिफॉर्मेशन की बात करूं तो वो कितना होता है, तो देखते हैं. सिंपल, इंपैक्ट स्ट्रेस, सबसे पहले सिग्मा इंपैक्ट, चीजों को यहां से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस मैं कुछ फॉर्मूले यहां नोट डाउन कर रहा हूं, दिस फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस भी कुछ हम करेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कैसे इंपैक्ट लोड के क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना होता है. सिग्मा इंपैक्ट इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक. सिग्मा स्टैटिक मीन्स स्टैटिक लोड हमने अप्लाई किया, उसी लोड को हम स्टैटिक मान करके सबसे पहले स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे. देन आफ्टर सिग्मा स्टैटिक इनटू IF. IF is impact factor, where IF is impact factor. Impact factor. Okay. IF is equal to 1 plus root over 1 plus 2H upon डेल स्टैटिक. सारी चीजें देखेंगे, डिफॉर्मेशन ड्यू टू इंपैक्ट लोडिंग. डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू डेल स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर. डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू डेल स्टैटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर. नाउ इंपैक्ट फैक्टर में हमने देखा 1 plus root over 1 plus 2H अपन डेल स्टैटिक. H आपका क्या है? H इज द हाइट फ्रॉम विच द लोड इज इंपैक्ट. H इज हाइट, वो हाइट होती है जिस हाइट से आपने लोड को रिलीव किया है. ओके, किसी भी बॉडी पर अगर आपको इंपैक्ट डालना है, अगर सपोज कर लो एक बॉल लिया, बॉल को कितने हाइट से आप सरफेस पे, आप फ्लोर पे छोड़ रहे हो, डैट हाइट मतलब कि वो जिस हाइट से आपने उसे रिलीज किया, डैट हाइट इज एच. हेयर द हाइट इज एट द रिलीजिंग ऑफ लोड, द हाइट फ्रॉम विच द लोड इज रिलीज. ओके, डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू डेल स्टेटिक इंटू इंपैक्ट फैक्टर. इंपैक्ट फैक्टर, this formula is very important. Impact factor is equal to 1 plus root over 1 plus 2H upon del static. Del impact is equal to del static into impact factor. अब यहां पर sigma impact, sigma static and del static are obtained from SOM equation. Okay, SOM equation, sigma is equal to P by A. Okay,
डेल इज इक्वल टू पी एल ओवर ए, उससे हम लोग ये चीजें फाइंड आउट करेंगे सॉम इक्वेशन से। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि इंपैक्ट लोडिंग के कंडीशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब कुछ कंडीशन आता है, इंपैक्ट लोड को हम तीन नाम से जानते हैं, इंपैक्ट लोड, सडनली अप्लाइड लोड और शॉक लोड। अब इंपैक्ट लोड में अगर आप कंडीशन देखो, इंपैक्ट लोड में अगर कंडीशन देखो कि विदाउट शॉक, अगर इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक, अगर सपोज करो विदाउट शॉक का मतलब क्या हुआ, रिलीजिंग हाइट विल बी जीरो। ओके, अगर सपोज करो कोई भी वेट है, अगर मैं अचानक से आपके ऊपर रिलीज कर दूं, छोड़ दूं, तो दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट लोडिंग विद शॉक। मैंने कि कुछ हाइट से उस लोड को रिलीज किया, दैट इज इंपैक्ट लोड विद शॉक। अगर मैं उसी लोड को सिंपली आपके हाथों में रखूं, दैट इज इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक। ओके, तो विदाउट शॉक के कंडीशन में अगर आप देखोगे, तो यहां पर अगर मैं बोलूं इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक क्या होगा, इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक में एच टेंस टू जीरो। जब एच जीरो होगा तो आईएफ कितना हो जाएगा, इंपैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1+√1+2H अपन डेल स्टैटिक। ओके, दिस टर्म विल बी जीरो, देन 1+1 दिस इज इक्वल टू 2, देन सिग्मा इंपैक्ट इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा स्टैटिक। सेम डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू डेल स्टैटिक। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू फॉर्मूलाज आर इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक। व्हेन द इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक इज व्हाट, व्हेन द हाइट टेंस टू जीरो। मैंने समझाया कि विदाउट शॉक क्या होगा, लोड अगर मैं सडनली आपके हाथों पे रख दूं, अगर सपोज कर लो आपके हाथों पे मैं कुछ या आपके बॉडी पे मैंने कुछ लोड इंक्रीज कर दिया, सडनली मैंने रखा, रिलीज नहीं किया, किसी हाइट से मैंने रिलीज नहीं किया, मैंने सडनली रखा, तो सडनली लोड आपके बॉडी पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक। तो इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक पे भी क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपैक्ट लोड विदाउट शॉक, एस टेंस टू जीरो, इंपैक्ट फैक्टर इज इक्वल टू 2, देन डेल इंपैक्ट सिग्मा इंपैक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू डेल स्टैटिक एंड सिग्मा स्टैटिक रेस्पेक्टिवली। ओके, नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स, नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंपैक्ट एक्सियल लोड, टेक एन एग्जाम्पल। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये बार है, दिस इज अ बार ऑफ लेंथ एल, ओके, एंड डायमीटर डी, दिस इज अ फ्लेंज, ओके, अटैच टू द बार, एंड अ वेट डब्ल्यू विच इज इंपैक्ट ऑन द फ्लेंज फ्रॉम हाइट एच अप्लाइड फ्रॉम रिलीज फ्रॉम हाइट एच। ओके, हम ये कंडीशन देख रहे हैं, एक बार है, फ्लेंज उसमें लगा हुआ है और कुछ एच हाइट पे एक वेट है जो कि वहां से हम रिलीज कर रहे हैं फ्लेंज पे, तो इस बॉडी में डिफॉर्मेशन कितना होगा। ओके, इस बार में डिफॉर्मेशन कितना होगा, दिस इज अ केस ऑफ इंपैक्ट लोडिंग, इंपैक्ट लोड हुआ, ये डब्ल्यू वेट यहां पर आएगा, जब ये डब्ल्यू वेट यहां पर एक्ट करेगा, ये आ गया डब्ल्यू वेट यहां पर आ गया, डब्ल्यू वेट जब यहां पर एक्ट करेगा तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगी बार में, तो उस डिफॉर्मेशन को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको कुछ स्टेप वाइज हम देखते हैं। स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम द गिवन लोड एज स्टैटिक लोड। ओके, सबसे पहले हम जो गिवन लोड है उसे हम स्टैटिक एज्यूम करेंगे। इस सेकंड डायग्राम में देखते हैं, ये डब्ल्यू लोड है, ये डब्ल्यू लोड एक्ट जो हो रहा है, इसमें डिफॉर्मेशन किसका हो रहा है, बार का हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उस डब्ल्यू लोड को उस बार पर हम स्टैटिक मान के चलते हैं। ओके, दिस इज स्टैटिक लोड डब्ल्यू, हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इसे स्टैटिक लोड डब्ल्यू हमने एज्यूम कर लिया। ओके, जो लोड हम इंपैक्ट करने वाले हैं बॉडी पर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप टू में हम क्या करते हैं कि डेल स्टैटिक फाइंड आउट करते हैं। डेल स्टैटिक क्या होता है, डेल स्टैटिक इज इक्वल टू डब्ल्यू एल ओवर ए ई। ओके, ए ई फाइंड आउट करेंगे, यहां से कुछ अपना
कोई भी एक वैल्यू आ जाएगा एमएम में. ओके दिस इज आवर फर्स्ट. ओके फर्स्ट हो गया इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. स्टेप थ्री में इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप थ्री अपने पास डब्ल्यू लोड पता है, फिर हम क्या निकालते हैं सिग्मा स्टेटिक. सिग्मा स्टेटिक, सिग्मा स्टेटिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डब्ल्यू अपन लोड अपन एरिया. यहां से कुछ मान लिया एमपीए जीपीए केपीए कुछ भी आ गया, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ओके देन स्टेप फोर में हम क्या करते हैं, इंपैक्ट लोडिंग के कंडीशन में स्टेप फोर अपना क्या होता है, स्टेप फोर में हम करते हैं इंपैक्ट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. आईएफ, आईएफ का फॉर्मूला क्या है, वन प्लस रूट ओवर वन प्लस टू एच अपन डेल स्टेटिक. ओके टू एच इज, एच इज वॉट, एच इज द हाइट फ्रॉम विच द लोड इज रिलीज्ड. ओके दिस हाइट एच, दिस इज हियर एच. ओके फ्रॉम दिस हाइट द वेट डब्ल्यू इज रिलीज्ड ऑन द फ्लेंज ऑफ द बार. ओके इंपैक्ट हो रहा है तो ये हाइट एच है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके यहां से जब इंपैक्ट फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे, देन आफ्टर स्टेप फाइव में हम क्या करेंगे, स्टेप फाइव में सिंपल डेल इंपैक्ट, डेल इंपैक्ट की बात करेंगे. डेल इंपैक्ट इज इक्वल टू डेल स्टेटिक, हमने फर्स्ट इक्वेशन में डेल स्टेटिक फाइंड आउट किया, देन इंपैक्ट फैक्टर सारी चीजें हमने फाइंड आउट कर रखी है, तो यहां से आपका कोई वैल्यू आ गया एमएम में. ओके देन स्टेप सिक्स इज व्हाट, सिग्मा इंपैक्ट इज इक्वल टू सिग्मा स्टेटिक इनटू इंपैक्ट फैक्टर, तो यहां से आपका ये भी किस कोई वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी. ओके नाउ सी नेक्स्ट, अगर यहां पर आप देखो तो सिग्मा इंपैक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा स्टैटिक इनटू इंपैक्ट फैक्टर. सिग्मा स्टैटिक इज व्हाट, डब्ल्यू अपन ए, एंड इंपैक्ट फैक्टर इज व्हाट, वन प्लस रूट ओवर वन प्लस टू एच अपन डेल स्टैटिक. अगर यहां पर आप देखना चाहो तो डब्ल्यू अपन ए वन प्लस रूट ओवर वन प्लस टू एच अपन डेल स्टेटिक इज डब्ल्यू एल ओवर ए ई. दिस इज, और यहां से अगर इक्वेशन देखो तो डब्ल्यू अपन ए वन प्लस रूट ओवर वन प्लस टू एच ए ई अपन डब्ल्यू इंटू एल. ओके दिस इज सिग्मा इंपैक्ट. ओके दिस इज आवर इक्वेशन ए. ओके नाउ द सिग्मा स्टेटिक इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन ए, दिस इज इक्वेशन बी. ओके यहां पर देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन बी सिग्मा स्टेटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू एंड ए, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज द सिग्मा स्टेटिक. द स्टेटिक स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एंड ए फ्रॉम इक्वेशन बी. एंड फ्रॉम इक्वेशन ए अगर आप देखो तो इक्वेशन ए से सिग्मा इंपैक्ट इज अ फंक्शन ऑफ W A H L E. ओके दीज आर सम टर्म्स. अब यहां पर कुछ चीजें देखते हैं, अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं और लेंथ को इंक्रीज करते हैं और इलास्टिक कॉन्स्टेंट को डिक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा. अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो स्टेटिक सिग्मा स्टेटिक क्या होगी अपनी, डिक्रीज होगी. बट इंपैक्ट फैक्टर में अगर आप देखो तो एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं और ई को डिक्रीज कर रहे हैं. एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, ई को डिक्रीज कर रहे हैं. यहां पर ए को डिक्रीज करने से सिग्मा स्टेटिक डिक्रीज होगी और यहां पर इनका ए अपन एल अगर ए इंक्रीज हो रहा है, एल इंक्रीज हो रहा है और ई की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं तो सिग्मा इंपैक्ट पर ओवरऑल इफेक्ट जो पड़ता है वो होता है इफ ए इंक्रीज एल इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ई
डिक्रीज ऑफ ई, देन यहां से हो जाएगा आपका सिग्मा इंपैक्ट, सिग्मा इंपैक्ट डिक्रीजेस, और जब सिग्मा इंपैक्ट डिक्रीज होगी तो चांस ऑफ इंपैक्ट फेलियर, इंपैक्ट फेलियर डिक्रीजेस. ओके, चांस ऑफ इंपैक्ट फेलियर डिक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए ओके एंड एल एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ई. ए और एल की वैल्यू अगर आप सपोज करो एल की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, ए की वैल्यू डिक्रीज कर दिया, तो किस पर इफेक्ट होगा? डेल स्टैटिक पे, डेल स्टैटिक पे एल को इंक्रीज कर रहे हैं, ए को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सपोज कर लो ए ज्यादा इंक्रीज हो गया, एल कम इंक्रीज हो रहा है, तो डेल स्टैटिक की वैल्यू लेस स्मॉल होगी. और ई को तो हम डिक्रीज भी तो कर रहे हैं, ई को डिक्रीज कर रहे हैं, ए को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ई को डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहां पर डेल स्टैटिक अपना ओवरऑल क्या हो रहा है? डेल स्टैटिक बढ़ ही रहा है. डेल स्टैटिक की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी. और जब डेल स्टैटिक इंक्रीज होगी तो इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू ओवरऑल क्या होगी? डिक्रीज होगी. और तो सिग्मा इंपैक्ट की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी? ओवरऑल डिक्रीज होगी, तो चांस ऑफ इंपैक्ट फेल्योर विल आल्सो डिक्रीज. ओके,